नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। महाराष्ट्र शासन की ओर से एसटी बसों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन इसी के तर्ज पर वसई विरार महानगर पालिका की परिवहन सेवा में भी महिलाओं को सहूलियत मिलनी चाहिए। इसी की मांग करते हुए मनसे नेता अविनाश जाधव समेत कई पदाधिकारी मनसे के वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय में जा पहुंचे और वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त समेत सभी उपायुक्त वहां पर उपस्थित थे, जिनसे ये मांग की गई साफ तौर पर कि वसई विरार महानगर पालिका के परिवहन सेवा में भी महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित मिलनी चाहिए। साथ ही वसई विरार के मुख्य सड़कों का भी कॉन्क्रीटीकरण किया जाए, इसकी भी मांग की गई, क्योंकि साल में ऐसे कई बार सड़कों को बनाने का टेंडर पास किया जाता है और बोगस या निचले स्तर का काम करने के चलते सड़कों की मरम्मत कई बार करनी पड़ती है, जिसके चलते सड़कों की कॉन्क्रीटीकरण की भी मांग की गई। इसी के साथ में मनसे द्वारा लगातार मराठी पार्टियों का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, जिसके चलते वसई विरार महानगर पालिका द्वारा भी आदेश जारी किया गया है कि अब शहर में हर जगह मराठी पार्टियां लगनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर मनसे से प्रवीण भोईर का क्या कुछ कहना है। मराठी पार्टियां विषय बघा, जो कोर्टा ने आदेश दिला है तो पालायचंच आहे, त्याच्यावरती राज्य सरकार कॉर्पोरेशन या लोकांनी लक्ष द्यायचं आणि त्यांनी ते करून घ्यायचं की कोर्टाचा आदेश हा अंमलबजावणी झालीच पाहिजे कोर्टाच्या आदेशाला। आता आम्ही आयुक्तांबरोबर बोलल्यानंतर त्यांनी बोललं की आमचं काम सुरू आहे। आमचे सन्माननीय ठाणे पालघर जिल्ह्याचे अविनाश जाधव जे आलेले होते, आयुक्तांबरोबर एकच चर्चा केली आम्ही की जे मुख्य रस्ते आहेत आपल्याला वसई विरारला जोडणारे, जसं सातविलीपासून तो वसईला जाणारा रस्ता, नालासोपारा फाट्यापासून तर तो नालासोपारा आतमध्ये येण्याचा रस्ता, विरार फाट्यापासून तर विरारमध्ये आतमध्ये येण्याचा रस्ता, हे मुख्य तीन रस्ते आहेत, ते कॉन्क्रिटीकरण केले पाहिजेत असा हा विषय होता, त्याची मागणी आम्ही केली। तुमचं मुलात दुसरी मागणी केली की महिलांना जो राज्य सरकारने आदेश निर्णय केलेला आहे की महिलांना बस सेवा ही 50% याच्यावर मिळाली पाहिजे, तो एक विषय घेतला।